भाग देनो, भाग देनो यहाँ से, भाग देनो यहाँ से, भाग जा ए गुत्थी। धनो भाग, आज तेरी पसंदीदगी बेइज्जती का सवाल है। हाँ अबे धनो किसको बोल रही है तू? गुत्थी कौन है यहाँ पे? गुत्थी है तो धनो कहाँ पे? धनो मेरे नीचे। ओ माय घोड़ी। वो क्या था, घोड़ी ना पीछे फास्ट भाग के आ रही थी, लेकिन मैं एक्साइटमेंट में उससे ज्यादा फास्ट भाग गई, तो पहले आ गई घोड़ी, आ रही होगी पीछे से। घोड़ी बकरी बन गई है। अरे ये तो वही है, वही है। बाइस द वे, आप उदित नारायण और आप आदित्य नारायण है ना? जी यू राइट। मतलब गुत्थी सुलझ गई। ओके ओके। वेल आई एम टेलिंग यू, आई एम हियर फॉर ए कॉज। मैं शोले को रीडायरेक्ट कर रही हूँ पिक्चर को। पर शोले तो इतनी अच्छी फिल्म है ऑलरेडी, तू क्या उसको रीडायरेक्ट करेगी? शोले वो शोले है, मैं जो बना रही हूँ, मैं शोले भटूरे बना रही हूँ। और अगर ये पिक्चर चल गई ना, तो फिर मैं मीठे में भी कुछ बनाऊंगी, देखना। अरे आप जानती हैं कि मैं भी थोड़ी एक्टिंग कर लेता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा एक छोटा। अच्छा आप एक्टिंग कर लेते हैं? जी जी। तो बस ठीक है, मैं बसंती, तू मेरा वीरू। आप मेरे वीरू होंगे, मैं आपको बसंती, आपका हीरो का मेरा सिलेक्शन हो चुका है। थैंक यू। तो बाकी की कास्टिंग भी कर लेते हैं। सांबा का रोल कौन टीले पे बैठा? ओके सिद्धू जी, सिद्धू जी आप सांबा का रोल करेंगे। ठीक है, आप टीले पे है ना, तो इसलिए आपके ऊपर सूट करता है। लेकिन बात सुनिए, जब पूछेंगे कितना इनाम, तो आप 50,000 ही कहना। आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो ना, तो आप तो बोल दोगे, फिर देना हमको पड़ेगा, ठोको ताली हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप उस हिसाब का ध्यान रखना आप उस चीज का। ओके, तो और कौन रहेगा कास्टिंग में? उदित जी आप गब्बर का रोल कर लीजिए। इतने हैंडसम आदमी को गब्बर बना रही, पागल है तू? अरे इसलिए तो गब्बर बना रही हूँ, हैंडसम है। जोरदार ताली हमारे गब्बर के लिए। नाइस नाइस। लेकिन गब्बर का जो रोल किए थे जी, वो तो बहुत ही वेटरन एक्टर थे। एक्टर वेटरन थे, लेकिन जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा ट्रक था। तो वुमेन्स ऑडियंस लाने के लिए हमको एक स्वीट सा, एक स्वीट सा गब्बर चाहिए, और वो आप ही हो सकते हैं। ठीक है, चलो कास्टिंग हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। मैं जो हमारी वास्ट पॉपुलेशन है, उसको कास्ट की इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। गब्बर, गब्बर, वीरू, वीरू, गुत्थी, नो, बसंती, यस, कपिल, बीच में तुम टांग मत उड़ाना। ठीक है, और ठाकुर, ठाकुर इस फिल्म में है नहीं, वो क्या, चुप। कास्टिंग हो चुकी है, तो अभी बिल्कुल तैयार है काम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, रेडी है? रेडी रेडी। तो एक काम करते हैं, आप वीरू की तरह हाथ ऊपर कर लीजिए। वीरू है, वाह बड़े मसल यार। और मैं यहाँ पे भी अपना डांस शुरू करती हूँ। ठीक है, तू पागल है, एक दूसरे दोनों डांस है, दोनों तो दुश्मन है ना फिल्म में अपने। वो शोले में थे, छोले भटूरे है ना, स्टोरी अलग है। और इस फिल्म की जो शूटिंग होगी वो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, अब्रॉड नेपाल में करेंगे। नेपाल में क्यों करेंगे इस फिल्म की शूटिंग? नेपाल में उसकी रीजन है क्या है कि, पहली बात तो इस फिल्म का जो 1 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है, वो हम किसी से उधार ले लेंगे 1 करोड़ रुपए। नेपाल में जाके ये करेंसी 1,60,00,000 की हो जाएगी, तो 60,00,000 में हम लोग शूटिंग कर लेंगे, तो जिससे 1 करोड़ लिया था वापस आके उसको दे देंगे, तो ये तो फायदा ही हो गया ना। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। तो सबसे पहले डायलॉग बाजी शुरू करते हैं। आप डायलॉग बोलिए गब्बर का, और ये ले लीजिए एक्सेसरी नेसेसरी। अच्छा मुझे दे रहे हैं? अरे आप थोड़े गब्बर लगेंगे ना। एक्शन। जब तक आपके पैर चलेंगे। ओके, जब तक, कब तक आपके पैर चलेंगे? चलेंगे तब तक इनकी सांसें चलेंगी। बड़े अदब से बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा स्वीट गब्बर हो गया आप। वो तो मैंने पहले ही कह दिया था। मैंने तो पहले ही कह दिया था। बॉडी लैंग्वेज ठीक है आपकी, तो नजर भी बड़ी स्वीट लग रही है, आध्यात्मिक लग रही है, थोड़ी गंदी नजर से देखिए पहले। सॉरी बट आपको गंदी नजर से देखना होगा मैं बसंती और गब्बर। उदित सर का अंदर से फील है स्वीट आदमी ना, वो चाह के अभी वो बदमाश नहीं बन पाएंगे। लेकिन अभी गब्बर का रोल कर रहे हैं, तो उनको गंदी नजर करनी पड़ेगी। कपिल उनका डायलॉग भी ऐसा जैसे गब्बर ने कभी सम्मेलन रखा है, जब तक आपके पांव चलेंगे उनकी सांस चलेगी। ओके ओके दोबारा चलिए। जब तक आप नहीं, आप देख ही नहीं रहे गंदी कहाँ है, आप यहाँ नीचे देख रहे हैं मेरे शूज की तरफ। नहीं
नजर यहाँ गंदी गंदी नजर जब तक कब तक नजर 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 जब तक देखिए आप ऐसा मुझसे पैसे उधार मांग रहे हैं ऐसा नहीं मैं अगर आप सर आप यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए अच्छा सबसे पहले आपको नजर वीरो आपके हाथ ऊपर प्लीज आपकी नजर गंदी करिए गबर बैठ गया तो वीर क्यों नहीं बैठ सकता वीरो आप ही बैठ जाओ बदतमीज लेकिन हाथ ऊपर प्लीज हाथ ऊपर फिर फीलिंग नहीं आएगी कभी ठीक है ठीक है आप जैसा बोले फीलिंग फीलिंग खड़े हो जाओ जी इतना ही नाम रखिए सरकार 35-40 होगा कम कर दिया आपने 15,000 अपना कमीशन रख लिया ओके आप नजर गंदी करिए प्लीज जल्दी से नजर गंदी चलिए जब तक ये नजर कमजोर है गंदी नहीं है थोड़ी गंदी करिए सर थोड़ी गंदी करिए ऐसे 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 करिए जब तक आपके पांव चलेंगे उफ एक मिनट सर मैं आपकी गंदी नजर करती हूँ अच्छा अभी देखिए -3 हो जाएगी नजर तो गंदी हो जाएगी हाथ ऊपर ओ वाओ नाइस नाइस ओके 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 अभी अच्छा लग रहा है गंदी नजर से जी 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 हाँ जब तक आपके पांव चलेंगे जब तक आपके पांव चलेंगे वाह तब तक सर की सांसें चलेंगी अरे आप हर किसी को सर कह देते हैं यार ये सर कहां से हो गए लेकिन कोई बात नहीं सर इस फिल्म में ना एक सॉन्ग भी है जो कि हमारा प्रमोशनल सॉन्ग होगा और इसके लिए जो बड़े बड़े सिंगर हैं जैसे सोनू निगम और अलका याग्निक सुनिधि चौहान श्रेया घोषाल सब लोग मना कर चुके हैं जी जी अच्छा और मैं आपसे बताऊं आपका प्रमोशनल गाना कौन गाने वाला है अरे आप दोनों गाने वाले और कौन गाने वाला है ओह क्या बात है थैंक यू उतनी देर को डांस वांस आता भी है इतने बड़े बड़े सिंगर बुक करे डांस उधर को आता नहीं है यार डांस कम टू मी यार कौन सा डांस करती तू अरे डांस जो गाना गाए मैं अभी डांस कर देती हूँ अभी तैयार हूँ मैं डांस करने के लिए पक्का हाँ हाँ अगर नहीं किया तो ये दे दे मेरे को धनो वाला शेंटा ये तेरे मारूंगा मैं नहीं 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 बहुत अच्छा डांस करनी हूँ अरे मेरा तो काम ही डांस करना है आप देखो ये फिल्म चलनी बेसिकली डांस और म्यूजिक के ऊपर है सही बात है ये नट देवता अभी सर गाना गाएंगे कोयल सी तेरी बोली सर आप गा देंगे प्लीज अच्छा जी हाँ तो कोयल लगनी भी चाहिए ना सामने लकड़ बग्गी नाच रही है और गाना वो गाए कोयल सी तेरी बोली कोयल सी तू दिखती नहीं है कोयल सी तेरी बोली बोली मेरी कोयल ही है ओके बोली इनकी कोयल की तरह चलिए सर मुंह इनका लकड़ बग्गे वाला ये कोयल थी ये कौन सी कोयल होती है और 2 मिनट गाना गाते ये तो अंडा देने वाली थी बदतमीज ये पकड़ तेरी धन्नो आ गई उधर मैं मुंह में थूक इकट्ठा कर रही हूँ तेरे मुंह में रह के जाऊंगी कभी मैं मारूंगा कुत्ती सॉरी बोला ना मैंने इकट्ठा भी नहीं किया था क्या बात है सर आई एम सो सॉरी इनकी बदतमीजी के लिए आप इतने भोले इंसान को ये देखो क्या पहन आ गई थैंक यू सो मच उदित सर थैंक यू सो मच आदित्य आप कॉमेडी नाइट्स में आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है सर आपको मजा आया होगा मुझे बहुत मजा आया आदित्य को भी बहुत अच्छा लगा हम लोग आपके शो देखते रहते हैं दिल भरता नहीं है सही कहा ऑडियंस ने कि ये शो कमाल का शो है सर आपका आशीर्वाद चाहिए बस एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उदित सर के लिए और आगे